खरगोन जिले में सनावत थाना क्षेत्र के अंतर्गत 300 करीब अलग अलग लोगों के खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही की गई थी। इन सभी को दंडात्मक कार्यपालन अधिकारी के न्यायालय में उपस्थित होकर अपने प्रकरणों का निराकरण करवाना था, लेकिन प्रकरणों की संख्या को देखते हुए तहसीलदार रंजना पाटीदार और TI राजेंद्र सोनी के सामंजस्य से पुलिस थाने में ही इस शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें प्रतिबंधात्मक कार्रवाई के 300 से अधिक अलग अलग लोगों के बीच सामंजस्य बनाकर प्रकरण का निराकरण करते हुए एकता के सूत्र में जोड़ा गया। TI राजेंद्र सोनी ने बताया कि पिछले दिनों 300 से अधिक लोगों पर वाद विवाद के बाद दंडात्मक कार्रवाई की गई थी, जिसके परिपक्ष में शिविर का आयोजन किया गया। तहसीलदार रंजना पाटीदार ने बताया कि नागरिकों में आपसी सौहार्द बनाने के लिए पुलिस थाने में इस शिविर का आयोजन किया गया, जहां दोनों पक्षों के बीच सामंजस्य बनाकर एकता के सूत्रों में पिरोया गया। इस दौरान नायब तहसीलदार कृष्णा पटेल सहित राजस्व विभाग के कर्मचारी मौजूद थे। इस दौरान नागरिकों ने इस शिविर के होने से निराकरण के साथ समय के बचत की बात कही। सनावत से प्रभु धोगाया की रिपोर्ट। क्या पुलिस थाने में राजस्व विभाग का शिविर लगा है, क्या निराकरण किया जा रहा है और किस तरीके के प्रकरण यहाँ पर रखे गए हैं? ये इस टाइप के प्रकरण होते हैं जब गांव में कोई छोटा मीठा विवाद होता है और जब पुलिस को या प्रशासन को लगता है कि शांति भंग हो रही है तो उसमें CRPC की धारा 107 के तहत इस्तगासा पेश होता है, जिसमें एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के तहत लोगों को बुला के सामने लोगों को पेश किया जाता है। हम उनसे जवाब लेते हैं और फिर उनको बॉन्ड ओवर करने की कार्रवाई करते हैं। पूरी तरह से चूंकि शांति व्यवस्था बनी रहे, कोई आगे अपराध न करें, इसलिए उनसे बंधपत्र और मुचलका भरवाया जाता है। इसकी अवधि लगभग 1 साल होगी और अभी चूंकि काफ़ी संख्या में हमारे पास किस तरह से पुलिस की ओर से आए थे कार्रवाई को प्रभावी रूप से करने के लिए, लोगों तक इसका प्रभावी मैसेज पहुंचाने के लिए हमने आज थाने पर कैंप रखा है। इसमें करीब 300 लोग प्रकरणों में नोटिस जारी किए गए हैं और करीब 200-250 लोग अब तक आ चुके हैं और रेगुलर उनके बॉन्ड ओवर करने की कार्रवाई की जा रही है। साथ में दोनों पक्षों को सामने बुलाकर समझाइश भी दी जा रही है कि वो आगे किसी तरह का कोई विवाद नहीं करें, अगर वो विवाद करते हैं तो उनके बॉन्ड जब्त किए जाकर उनको जेल भेजने की कार्रवाई धारा 122 के तहत की जा रही है। फिर राजस्व विभाग की ओर से लगाया गया पुलिस थाने में क्या कार्रवाई की जा रही है और क्या निराकरण हो रहा है? देखिए, काफ़ी लोगों के खिलाफ में लगभग 300 लोगों के खिलाफ हमने प्रतिबंधात्मक कार्रवाई के तहत इस्तगासे पेश किए थे तहसीलदार मैडम के, तो वो उसको कार्रवाई को तेज़ करने के लिए मैडम का ऐसा वो था कि कैंप थाने में लगा लेते हैं और थाने में ही सबको नोटिस दे के तलब करते, तो हमने विगत एक हफ्ते में लगभग 300 लोगों को नोटिस शामिल कराए थे, उसमें से करीब 150-200 लोग यहाँ पर लगातार आते जा रहे हैं। तो जो उनको बाउंड ओवर कराने की कार्रवाई है दोनों पक्षों को, विपक्षी जो कार्रवाई बाउंड ओवर की है जो तहसील में होती है, जिसमें कई बार 8 दिन 15 दिन 10 दिन का समय लगता है, वो उसमें हम वो कार्रवाई को एक ही दिन में यहाँ पर आज निपटाने का प्रयास कर रहे हैं। अधिक से अधिक लोगों को बाउंड ओवर करा रहे हैं जिसमें कि पूरे थाना क्षेत्र में शांति बनी है और छोटे छोटे विवाद में लोग झगड़े हैं उनको बताया भी जा रहा है कि उनके साथ क्या किया जा रहा है और इसका यदि वो गड़बड़ी करेंगे, यदि झगड़ा करेंगे तो इसका क्या असर पड़ेगा। तो उसमें यहाँ पर तहसीलदार मैडम और पूरा तहसील का उनका स्टाफ, नायब साहब वगैरह सब उपस्थित हैं। जो कार्रवाई तहसील में होना थी वो आज यहाँ पर कैंप के माध्यम से हो गई। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।